वेलकम स्टूडेंट्स जैसे कि हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर का तो उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो सके तो हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि अ असोलिनॉइड कॉयल टेन सेंटीमीटर लॉन्ग हैज़ पर सेंटीमीटर ठीक है हमारे पास एक सोलिनॉयड कॉयल है यानी कि जब हम एक वायर को बहुत से टर्नस देते हैं तो हमारे पास एक सोलिनॉयड फॉर्म होता है ठीक है अब हमें ये कहा गया है कि जो सोलिनॉयड है उसके हमारे पास लेंथ कितनी है वो हमारे पास है टेन सेंटीमीटर तो इसकी लेंथ को हम एल से नोट करेंगे ठीक है साथ ही हमें कहा गया है कि जो हमारे पास सोलिनॉयड है इसके अंदर जितने टर्न्स आ रहे हैं वो टर्न्स हमारे पास हैं फोर्टी टर्न्स और फोर्टी टर्न्स जो हमारे पास है वो एक सेंटीमीटर में

मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है वो है फाइव एम्पेयर और कितने टाइम में अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है पॉइंट जीरो वन सेकेंड में अब हमें कहा गया है कि हमने फाइंड ये करना है कि फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोलिनॉइड भी 28 सेंटीमीटर स्क्वायर अब हमें ये पता है कि जो हमारे पास सोलिनॉइड होता है ये हमारे पास ऐसी डिवाइस होती है जो कि एनर्जी स्टोर करती है मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में तो हमें कहा गया है कि हमने वही एनर्जी फाइंड आउट करनी है जो कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर हुई है अगर इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इस हैं सबसे पहले अपने पास डाटा लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या क्वांटिटीज गिवन है ताकि उन्हें देख के सॉल्व करना ज्यादा इजी हो जाए हमारे लिए सबसे पहले देखें हमें यहाँ पे गिवन है कि जो सोलिनार है उसकी लेंथ कितनी है वो है टेन सेंटीमीटर ठीक है तो हम लिख लेते हैं एल इक्वल टू टेन सेंटीमीटर अब स्टूडेंट्स अपनी कैलकुलेशन को एक स्टैंडर्ड वे में लाने के लिए इस है जो हमारे पास सेंटीमीटर के यहाँ पे यूनिट है उसको स्टैंडर्ड यूनिट मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हम ये जानते हैं कि हमारे पास हंड्रेड सेंटीमीटर होते हैं इक्वल टू वन मीटर तो वन सेंटीमीटर के स्केरकुल हो गए वो इक्वल हो गया वन डिवाइडेड बाय हंड्रेड मीटर के तो यहाँ पे देखें टेन सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट करना है तो हमारे पास आ जाएगा वन डिवाइडेड बाय हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय टेन मीटर तो कैलकुलेशन के बाद पार, हमारे पास जो लेंथ आएगी वो कितनी बन जाएगी वो बन जाएगी पॉइंट वन मीटर ठीक है इसके बाद हमें बताया गया है कि जो नंबर ऑफ टर्नस हैं इस सोलिनॉइड में वो है फोर्टी टर्नस पर सेंटीमीटर ठीक है नंबर ऑफ टर्नस हमारे पास है फोर्टी पर सेंटीमीटर तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पर सेंटीमीटर तो इसको भी स्टूडेंट्स uh, एक स्टैंडर्ड वे में लाने के लिए यहाँ पे हमें गिवन है कि 40 टर्न्स पर सेंटीमीटर हैं अब इन टर्न्स को कन्वर्ट uh, करने के लिए मीटर में हम इस तरह करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो हमारे पास ये बन जाएंगे 4000 4000 टर्न्स पर मीटर ठीक है देखें यहां पे जैसे कि हमने कन्वर्जन के थ्रू देखा कि 100 सेंटीमीटर मीटर होते हैं तो यहाँ पे 40 टर्न्स पर सेंटीमीटर है तो इनको मीटर uh, में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हमने गलती से सेंटीमीटर लिख लिया है तो इसको हम रिमूव कर देते हैं यहाँ पे सिर्फ ये मीटर के यूनिट्स आ रहे हैं हमारे पास तो हमने मीटर में कन्वर्ट करने के लिए फोर्टी को हंड्रेड से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स आ गए पर मीटर और इसके बाद स्टूडेंट्स हमें गिवन है कि जो हमारे पास सोलिनॉइड है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है वो हमारे पास है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमारे पास एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर अब इसको भी हम स्टैंडर्ड यूनिट मीटर में लेके आते हैं तो जैसे कि हमने देखा था कि हमारे पास हंड्रेड सेंटीमीटर इक्वल होता है वन मीटर के तो वन सेंटीमीटर किसके इक्वल हो गया हो गया वन डिवाइडेड बाय हंड्रेड मीटर के अब हमने जब सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे इसका करते हैं हम कर लेते हैं वन सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय वन सेंटीमीटर इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय हंड्रेड मीटर मल्टीप्लाईड बाय वन डिवाइडेड बाय हंड्रेड मीटर ठीक है तो ये हमारे पास बन जाएगा कि वन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्व टू वन डिवाइडेड बाय वन जीरो 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 मीटर ठीक है तो अब हमने कितने सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना है हमने 28 सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना है तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू वन डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर फोर ठीक है मल्टीप्लाइड बाय 28 मीटर स्क्वायर ठीक है तो ऊपर भी हमारे पास स्टूडेंट मीटर स्क्वायर था जहाँ पे हमने मिस्टेक की थी हमने मीटर लिखा था यहाँ पे मीटर स्क्वायर आता है तो ये हमारे पास बन जाएगा 2.8 पॉइंट एट इंटू टेन वेस्टू दिपार माइनस थ्री मीटर स्क्वायर तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमारे पास एरिया क्या आया है हमारे पास एरिया बन गया है टू पॉइंट एट इन टू टेन वेस्टू दिपार माइनस थ्री मीटर स्क्वायर इसके बाद हमें ये भी बताया गया कि हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है करंट की वो कितनी बन जाती है वो बन जाती है फाइव एम्पेयर ठीक है और कितने टाइम में हमारे पास अटेन हो जाती है इतनी वैल्यू करंट की वो हमारे पास है टाइम टी जो कि इक्वल है पॉइंट जीरो वन सेकेंड के और हमने फाइंड आउट क्या करना है हमने एनर्जी स्टोर जो है वो फाइंड आउट करनी है तो उसे हम डिनोट कर देते हैं यूएम UM से और लिख देते हैं कि हमने ये फाइंड आउट करना है तो इस न करते हैं स्टूडेंट्स की आप सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपने प्रॉब्लम का तो देखते हैं कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है एनर्जी स्टोर इन ए सोलिनॉइड उसका हमारे पास फार्मूला होता है यूएम इक्व टू हाफ एल आई स्क्वेयर ठीक है यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा हाफ एल आई स्क्वेयर तो यहाँ पे देखें कि हमें आई की वैल्यू तो पता है ठीक है कि जो मैक्सिमम वैल्यू करंट की थी वो कितनी थी लेकिन हमें यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस एल की वैल्यू नहीं पता ठीक है अब उसको फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है एल इक्वल म्यू नॉट एन स्क्र इन टू ए एल ठीक है ये हमारे पास स्टूडेंट फॉर्मूला होता है सोलिनॉट की सेल्फ इंडक्टेंस का तो यहाँ पे जब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो जो म्यू नॉट है वो हमें बताता है परमेबिलिटी ड्यू टू फ्री स्पेस यानी कि हमारे पास फ्री स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड कितनी इफेक्टिव होती है ये कांस्टेंट हमें ये बताता है और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है फोर पाए इन टू टेन पार माइनस सेवन वेबर पर एम्पेयर वेबर पर एम्पेयर पर मीटर ठीक है मल्टीप्लाइड पाए देखें जो नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास आए थे वो कितने आए थे वो हमारे पास आए थे फोर थाउजेंड पर मीटर ठीक है पर मीटर यहाँ पे लिख लेते हैं या इसको दूसरे फॉर्म में लिख लेते हैं इस तरह ठीक है तो ये हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर और ये आगे हमारे पास फर्दर मल्टीप्लाई हो रहा है एरिया से और एरिया के हमारे पास वैल्यू आई थी टू पॉइंट एट इन टू टेन वेस्ट पावर माइनस थ्री मीटर स्क्वायर ठीक है अब आगे जो एल की वैल्यू है वो मैं नीचे लिख रही हूँ क्योंकि आगे हमारे पास जगह नहीं मौजूद तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई होके मल्टीप्लाई बाय पॉइंट मीटर तो स्टूडेंट्स इसको जब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे जो पाई की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 3.14 ठीक है यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास 3.14 तो इसे कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस एल की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5.63 पॉइंट सिक्स थ्री इन टू टेन रेट पार माइनस थ्री अब हैं, के जो हमारे पास जूनियर है उनको बैलेंस आउट कर लेते हैं तो यहाँ पे देखें हमारे पास आ रहा है वेबर पर एम्पेयर पर मीटर यहां से देखें मीटर पर मीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा तो हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा आगे हमारे पास मीटर स्क्वायर है और फिर मीटर है मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर से कट जाएगा मीटर पर मीटर से कट जाएगा तो हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो आ रहे हैं इंडक्टेंस के वेबर पर एम्पेयर तो हमारे पास बन जाएगा फाइव पॉइंट सिक्स थ्री इंटू टेन रिश्वत माइनस थ्री वेबर पर एम्पेयर ठीक है तो स्टूडेंट्स अब जो हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू आई है इसे हम उसी एक्सप्रेशन में यूज करते हैं जो कि हमने देखा था हमारे पास स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ एल आई स्क्वायर ठीक है तो उसमें जब हम पुट करें तो हमारे पास बन जाएगा यूएम इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर ठीक है तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं हमारे पास आ आजगा हाफ एल की वैल्यू यहाँ पे लिखती हूँ तो मेरे पास है फाइव पॉइंट सिक्स थ्री इन टू टेन पावर माइनस थ्री तो स्टूडेंट्स हमने वेबर एम पेयर को कन्वर्ट किया है दूसरे यूनिट्स में तो यहाँ पे वो मैं लिखती हूँ वो हमारे पास होते हैं न्यूटन मीटर पर एम पेयर स्क्वेयर ये यह यहाँ पे इसलिए मैं यूज कर रही हूं ताकि जब हम आगे यूनिट्स को बैलेंस आउट करेंगे तो हमारे जो यूनिट्स हैं वो इजीली बैलेंस हो जाएंगे और आगे हमारे पास आई स्क्वायर है तो आई हमारे पास था फाइव एम पे तो इसका स्क्वायर होगा तो कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आई है वो आई है सेवन पॉइंट जीरो फोर इन टू टेन पावर माइनस टू यहाँ पे आप देखें अब बैलेंस करते हैं तो हमारे पास यूनिट्स हैं न्यूटन मीटर पर एम्पेयर स्क्वायर और आगे हमारे पास एम्पेयर का स्क्वायर हो रहा है तो एम्पेयर स्क्वायर पर एमपे स्क्से कट जाएगा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा न्यूटन मीटर तो न्यूटन मीटर स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वल होता है जाउल के तो हमारे पास वैल्यू आ रही है सेवन पॉइंट जीरो फोर इंटू टेन विच पार माइनस टू जाऊ तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास स्टोर्ड एनर्जी की वैल्यू आ गई है जो की एक सोलिन नॉइट के लिए हमने कैलकुलेट की है तो आई होप स्टूडेंट्स के आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ गया होगा